तो आ गए हैं सब बाहर। ये जो गुमा साग है हमारा उड़िया में बोलते हैं गुमा साग, आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलना क्या है बोलते हैं हिंदी में। और ये गया जो ही बोलते हैं गुमा साग। देखो फ्रेंड्स, देखो मेरे को इतना मिला है। और फ्रेंड्स नया सुबह का नया शुरुआत हो चुकी है ब्लॉगिंग। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कुमार ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आई होप सब कैसे लोग के प्यार से मैं भी ठीक हूँ और आप लोग सब कैसे हो। फिर चलो अभी हम लोग आए हैं आज सुगड़ा, जैसे ये हमारा देवगढ़ से 8 किलोमीटर होता है। तो आज हम लोग आए हैं साग खोजने के लिए, गुमा साग बोलते हैं हमारे उड़िया में। हिंदी में आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलना, आप लोग को दिखाऊंगा अभी। तो फिर चलो अभी साग तोड़ने के लिए जाते हैं। तो वीडियो बने रहिए एंड तक और देखते रहिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड वीडियो देखते रहिए। तो फिर चलो अभी साग तोड़ते हैं फ्रेंड्स, अभी साग तोड़ते हैं फ्रेंड्स। तो चलो अभी ये देखो फ्रेंड्स, सब बादाम का पेड़ हुआ है इधर, बादाम का खेती बाड़ी किए हैं बादाम। देखो बादाम इस जगह में सब तरफ बादाम ही बादाम का दिखाई देगा आप लोग को। तो हम लोग अभी गुमा साग तोड़ने आए हैं, तो मेरे को मिला नहीं, मिलेगा तो आप लोग को दिखाऊँगा वीडियो पर। तो फिर देखते हैं और कैसा है कैसा नहीं मेरे को पता नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ गोमा साग खोजने के लिए। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो दिख रही है ना, इसको ही बोलते हैं गोमा साग। तो फ्रेंड्स मैं पहले यही है, यही है जो ही बोलते हैं गोमा साग। देखो फ्रेंड्स इसी को ही बोलते हैं गोमा साग। तो मैं अभी तोड़ूंगा, तो देखो अभी मैं कैसा तोड़ता हूँ आप लोग थोड़ा देख लीजिए। ये गया अभी, और ये भी, और अभी रख लेता हूँ और फिर देखते हैं और कहाँ पे मिलता है आप लोग को दिखा। ज़्यादातर मिलता है जिस टाइम में खेती बाड़ी होता है, तो खेतों के पास ये साग मिलता है। तो इस टाइम में खेती चल रही है ना, इसलिए अभी मिल रही है ये। तो फिर चलो अभी मैं थोड़ा साग तोड़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलता हूँ। आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए कैसे मैं साग तोड़ता हूँ। तो फिर चलो देखते हैं। इतना अभी तोड़ा हूँ और फिर देखते हैं। देखो इतना, और आप लोग को दिखाता हूँ और कितना मिलता है मेरे को। अभी तो थोड़ा थोड़ा ही मिला है, थोड़ा कुछ मिला है, और भी मिलेगा। तो आप लोग वीडियो बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए एंड तक, मोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होगा आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन होगा। आप लोग वीडियो पे बने रहिए एंड तक। देखो मेरे को इतना मिला है, और एक घंटे के बाद इतना मैं तोड़ा हूँ, और अभी और जाऊँगा और तोड़ूँगा। तो फिर देखते हैं, इसी साइड में तो ख़त्म हो गया है, उसी साइड ख़त्म हो गया, हम लोग अभी इसी साइड जाएंगे, उधर पे जाएंगे, उधर पे सब तोड़ रही हैं, मैं भी जाऊँगा उधर पे। तो देखो अभी, देखो इधर पे सब आए हैं, गाँव के लोग सब इधर पे आए हैं और तोड़ रहे हैं, मैं भी उधर जाऊँगा अभी तोड़ने के लिए। तो देख लो इधर पे दो, इधर पे एक, और ये है बादाम, इधर पे खेती किए हैं बादाम, चास किए हैं बादाम, खेती किए हैं इधर, और उधर पे देखो गांव के लड़के हैं।
अभी जाएंगे फिर। देखो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इतना तोड़ा हूँ 2 घंटे के बाद इतना। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी तो लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी हम लोग घर की तरफ जाएंगे और छोटा सा डैम हम लोग अभी पार करेंगे। तो फिर चलो अभी हम लोग घर की तरफ निकलते हैं। और बहुत मैं भी तो साग तोड़ तोड़ के मेरा पैर भी दर्द हो रही है, इसलिए मैं अभी घर की तरफ निकल रही हूँ। और देखते हैं, और मैं भी अकेला आया नहीं, मेरे साथ भी आए हैं बहुत लोग। तो देखते हैं कितना देरी वो लोग सब टूटते हैं। और अभी मैं तो टूट लिया हूँ इतना ही। और देखते हैं फिर कितना देरी करते हैं वो सब। तो फिर आप लोग वीडियो भी बने रहिए। ये जो गुमा साग है, हमारा उड़िया में बोलते हैं गुमा साग, आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलना क्या है, बोलते हैं हिंदी में। और हम लोग एक बैग शायद हो गया है, एक बैग मतलब जितना हम लोग तोड़े हैं ना, सबको एक बैग में करेंगे तो एक बैग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मतलब हम लोग का आज साग तोड़ने के लिए मन लग रहा था, क्योंकि हमारा देवगढ़ में बारिश दे रहा था, सुबह भी बारिश दे रहा था। हम लोग निकले थे 10:30 बजे और इधर पहुंचने के लिए हम लोग लग गया 1.5 घंटा लग गया। हम लोग 11 बजे इधर पे पहुंचे हैं। और साग फाग तोड़ने के लिए लगभग हो गया 20 मिनट। मतलब एक छोटा सा नदी है, नदी पार करने के बाद ये मिलता है। मतलब नदी पार करके हम लोग आए हैं साग तोड़ने के लिए। तो आप लोग को दिखाऊंगा, इधर पे छोटा सा डैम है और बहुत सा, मतलब इस जगह में ज़्यादातर मिलता है ये जो गुमा साग होता है ना, ये ज़्यादातर मिलता है बारिश के टाइम में। और खेती बाड़ी जिस जगह में होता है उसी जगह में ही मिलता है। तो मेरे पीछे देखो, ये जो दिख रही है आप लोग को, ये है पूरा बादाम का खेत है। इधर बादाम चास किए हैं, बादाम मतलब इधर पे खेती बाड़ी किए हैं बादाम। और इधर पे भी नहीं, इस मतलब कुछ कुछ जगह में बादाम ही बादाम सब जगह में खेती बाड़ी किए हैं। और इस टाइम में बादाम चास किए थे, और ज़्यादातर गर्मी टाइम में इधर पे तरबूज चास हुआ था। और अभी हमारे साथ आए थे गांव के लड़के लोग सब, अभी तोड़ रही हैं साग। तो उन लोग को हम लोग वेट किए हैं। वो लोग सब आएंगे तो हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। तो फिर चलो अभी और देखते हैं और क्या क्या होता है, मतलब वीडियो में और क्या क्या दिखाता हूँ ना, ज़रा आप लोग को भी दिखाऊँगा। तो फिर और क्या बोलूँगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कौन सी साग है मेरे को हिंदी में कमेंट करके बोलना, हिंदी में क्या बोलते हैं इस साग को। तो फ्रेंड्स, आज प्रोजेक्ट डैम, तो हम लोग आए थे ना साग तोड़ने के लिए, जिस रोड पे आए थे उसी रोड पे ही डैम पड़ता है। तो पैदल ही हम लोग आए हैं, तो आप लोग को उधर जाकर दिखाऊंगा। और वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक नहीं हुआ है, एंड तक नहीं हुआ है। और बाकी है थोड़ा सा आप लोग को दिखाऊँगा डैम। और हम लोग तो आए थे, आप लोग को तो बोला था सुगड़ा में है हम लोग। तो चलो फिर आप लोग थोड़ा नज़ारा देख लो इधर का कैसा है। देखो फ्रेंड्स, हम लोग इतना तोड़े हैं, ये भी जड़ी में है और ये भी है। देखो ये वाला भी है और ये वाला इतना है। हम लोग गुमा साग तोड़े हैं। और फ्रेंड्स, ये साग क्या बोलते हैं हिंदी में कमेंट करके मेरे को बोलना। डैम है, हम लोग जो आए थे पैदल, पानी बहुत गहरा जा रही है, मतलब जोर से पानी, बहुत जोर जोर से पानी जा रही है। तो आप लोग थोड़ा, चलो उधर का नज़ारा दिखा देता हूँ, आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा। तो अभी फिर चलो मिलता हूँ सीधा डैम के पास, छोटा सा डैम है उधर पे, आप लोग के साथ मिलता हूँ। छोटा सा डैम है उधर आप लोग के साथ मिलता हूँ। तो फिर अभी चलो देख लो, ये डैम है। अभी हम लोग नज़दीक नहीं हुए हैं, अभी थोड़ा दूर में हूँ, 50 मीटर की दूरी में हूँ, पास जाकर आप लोग को दिखाता हूँ। जो पानी गिर रही है उसी के ऊपर ही हम लोग पैदल आए हैं। तो अभी हम लोग पैदल ही जाएंगे, आप लोग देखना, आप लोग सब देखना, जो पानी गिर रही है उसी के ऊपर ही हम लोग पैदल आए हैं। तो अभी आप लोग को दिखाऊँगा कैसे हम लोग आए थे और कैसे जाएंगे। तो फिर आप लोग वीडियो बने रहिए और देखते रहिए मैं कैसे जा रहा हूँ। देखो आप लोग को दिखाऊंगा। देखो मैं पानी का मतलब कि
थोड़ी दूर आ गया हूँ, अभी पैदल ही जा रहा हूँ। तो आप लोग देखो कैसे हम लोग जा रहे हैं, आप लोग को दिखाता हूँ फिर। अभी देखो सब कैसे आ रहे हैं, ये डैम के ऊपर में कैसे आ रहे हैं। देखो इधर पे इसी साइड पे बहुत पानी है, बहुत गहरा पानी है। और देखो सभी एक एक ही आएंगे, मैं अभी जाता हूँ बाहर की तरफ। मतलब बहुत धीरे धीरे जाना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे जाना पड़ रही है मेरे को भी। और वो सब पीछे आ रही हैं, वो भी सब धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अभी आप लोग दिखाऊंगा, मैं अभी बाहर आ चुकी हूँ, मतलब और थोड़ा दूर है। मैं अभी आ चुकी हूँ इसी साइड पर, और थोड़ा पास में है, और थोड़ा है जाऊँगा तो मैं बाहर पहुँच जाऊँगा। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, मैं पास आ चुकी हूँ। आसो आसो। मैं पूरा बाहर आ चुकी हूँ। और सब आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे, आप लोग थोड़ा देख लीजिए। देखो पीछे आ रही हैं सब पीछे आ रहे हैं। देखो कैसे लाइन हुए हैं और आ गए हैं सब बाहर। घर की तरफ जाते हैं, अभी छोटा सा डैम था, हम लोग अभी पार कर लिए हैं। तो अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, बारिश भी आ गया है। और फिर चलो घर पहुँचने के बाद वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलो अभी हम लोग घर की तरफ निकलते हैं।